मुझे लगा कि मैं रोमियो और जूलियट सुनने वाली हूँ, लेकिन ये तो कॉमेडी ऑफ एरर्स बनती जा रही है। एग्जैक्टली सबको सब कुछ दिख रहा था सिवाय रोमिल और जुगल के प्यार के। सबके अपने अपने ख्याली पुलाव पक रहे थे। गॉड माय लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड यार। एक तरफ जुगल है हु इज क्लियरली नॉट इट ओवर मी, मुझे और रोमिल को अकेला ही नहीं छोड़ता, एंड देन देयर इज रोमिल हु इज एक्चुअली सो शाय। बाहर से टफ अंदर से सेंसिटिव, ही इज सो परफेक्ट नो। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट आई थिंक ही इज गोइंग टू किस मी टुनाइट। रियली? Then Jugal refused to kiss you. I am the one who refused to kiss him. I don't know. क्या ये? Napkin ring. हाँ? It's a third month anniversary. Wow. हो भी गए 3 महीने? Exactly 3 महीने. First kiss. Anyway, director साहब, अभी आप मुझे जूलियट पे focus करने दो। हाँ, कुछ ज्यादा ही focus मत करना। Eyes, look your last. Arms, take your last embrace. And lips, oh you, the doors of breath seal with a righteous kiss. A dateless bargain to engrossing death. Come, bitter conduct, thou desperate pilot, now at once run on the dashing rocks, thy seasick weary bark. Here's to my love. Help me after. I'll kiss thy lips. Haply some poison yet doth hang on them. Thy lips are warm. I'll be brief. Oh, happy dagger. This is thy sheath. Their rust and let me die. Our director Jugal Subramaniam. That turned out good. तेरी acting काफी improve हो गई है. Audition काफी भयानक था. इस साल है. तूने तो कहा था कि यह वाज़ अ नेचुरल। अब तुझे कास्ट करने के लिए कुछ तो बोलना था ना। साले, पकड़। टू बैड इट्स अ ट्रेजेडी दो। वैसे सारी मेजर लव स्टोरीज में लोग मरते क्यों हैं? सो यू थिंक इट विल बी बेटर विद अ हैप्पी एंडिंग? आई डोंट नो मैन, बट दैट्स द पॉइंट नो यार। बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन टू हैव नेवर लव्ड एट ऑल। वाओ, आई विल ड्रिंक टू दैट। हमारा क्या होगा? होपफुली रोमियो एंड जूलियट की तरह मरना नहीं पड़ेगा। आई मीन वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग?
हर मेजर रिलीजन के हिसाब से वी गोइंग टू हेल्प फॉर श्योर। सीरियसली पूछ रहा हूँ रोमिल। यार जग्स, आई डोंट नो यार, मुझे आई हैव नो आइडिया दिस पॉइंट मैन। ओके, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स टाइम? न्यूजीलैंड। ओके, चाचा का ट्रक्स का बिजनेस है, उन्हीं को ज्वाइन कर लूंगा। डैड भी वही चाहते हैं। नाइस। या इट्स प्रीटी कूल एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे पैसे बनाए हैं एंड उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं ही उनका बिजनेस संभालूं बाद में। ग्रेट। और मैं 5 साल बाद तेरी लाइफ में रहूंगा कि नहीं? यार ये कैसा सवाल है यार जग्स, अभी तू चाहता है कि मैं ये कहूँ कि 5 साल में हमारी शादी हो जाएगी और हमारे 2 बच्चे होंगे? या समथिंग लाइक दैट। लास्ट टाइम आई चेक्ड, हम इंडिया में रहते हैं। और अगर किसी को भनक भी लग गई ना, या तो हम जेल में फेंके जाएंगे या तो हमारे पेरेंट्स सुसाइड कमिट कर लेंगे। ओके, सो तेरा ऑप्शन क्या है? तू वापस वही रोमिल बन जाएगा इट, हु ट्रीटेड गर्ल्स लाइक शिट और अपने आप को जेम्स बॉन्ड की औलाद समझता है। नो नो नो। और रोजी जैसी किसी लड़की के साथ शादी कर लेगा? ऑफ कोर्स नॉट जग्स, आई जस्ट लुक, आई डोंट हैव एनी आंसर्स एट दिस पॉइंट मैन। Does this feel right? You and me? It's perfect. You know that. अगर इतना ही perfect है तो इसके लिए लड़ क्यों नहीं रहा? यार, अपनों से कैसे लड़ूं जक्स? रोमिल, अपनों से नहीं, अपने लिए लड़। देख क्या होगा, मैं क्या करूंगा, आई रियली डोंट नो। ओके, ऑल आई नो इज दैट आई लव यू। रामिया, 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 तू ओए, रामिया, तू रामिया, तू क्या कर रही है यहाँ पे? डिड यू फॉलो अस? रामिया लिसन, रामिया, रामिया, ओह गॉड गॉड मैन, बी मैन, उसे सब कुछ सुन लिया होगा सब कुछ। नो वी आर नॉट। अरे वो सब कुछ आके बता देगी यार। उसके बताने से पहले हम अपने पेरेंट्स को बता देंगे। आर यू क्रेजी, व्हाट, पागल हो गया क्या तू? तो तू क्या चाहता है, रामिया हमारे पेरेंट्स को बताए? ओ शिट यार, साथ में बताते हैं। साथ में मेरा मतलब है कि एक साथ बताएंगे, तू अपने पेरेंट्स को बता, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा। कल सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट टाइम पे, इससे पहले कि रम्या अपना मुंह खोल दे। बट कल ही, कल ही। आर यू श्योर? मैं आगे सुन भी नहीं सकती। दिस इज ऑल टू टेंस फॉर मी। वेल इन दैट केस इट वाज रियली नाइस टू मीट यू, गुड लक विद द फाइल, आई होप आप अपने टाइम में। हे हे, आई डिडंट मीन दैट, आगे बता। सो आर यू रेडी? ओके, आई एम रेडी। मैं ये लेटर उसके मुंह पे मारूंगा। कोहली तुम्हारे बिना ये कंपनी चला ही नहीं पाएगा। यू थिंक सो? कोश्रीधर अपा, अम्मा, रम्या, मुझे आप तीनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। नॉट नाउ कन्ना, बाद में। अभी अपा। अपा ने कहा ना जुगल बाद में। अम्मा, आई सेड ना इट्स इम्पोर्टेंट। जुगल, नॉट नाउ। राइट नाउ ओनली। अपा, आपको याद है आप बचपन में सिखाते थे कि द बेस्ट पार्ट अबाउट इंडिया इज अनेकता में एकता। हम सब अलग हैं पर फिर भी एक हैं, राइट?
अप्पा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आपके जैसे शादी नहीं करनी. As in, I don't want to marry a girl like you did. तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? No, no, अम्मा. क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ जुगल? You as in not you, as in any girl. जुगल, firstly, God has stopped making women like your अम्मा anymore. And secondly, हमारी फैमिली में तो कोई 28-29 से पहले शादी ही नहीं करता. तो अभी इन सब चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हो? Don't worry about all this. अप्पा अभी नहीं और कभी नहीं. तू क्या ब्रह्मचार्य लेना चाहता है? What are you laughing, भाग्या? जुगल, तुमने कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो ज्वाइन नहीं किया ना? भाग्या, ये लोग अच्छे घर के समझदार बच्चों को उठाकर उनका ब्रेन वॉश कर देते विद द प्रॉमिस ऑफ एनलाइटनमेंट. कन्हा, तुम जानते हो ना कि तुमने अगर ब्रह्मचार्य लिया तो किसी भी लड़की के साथ यू नो व्हाट नहीं कर सकता. अम्मा, मैं वैसे भी किसी लड़की के साथ यू नो व्हाट नहीं कर सकता. बिकॉज आई एम गे. आई लाइक मेन. रोमी, ओ रोमी, रोमी. हाँ जी मम्मी. कल तूने क्या एक्टिंग की बेटा. मतलब पापा और मुझे ना बड़ी प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी. अरे मेरा बेटा तो है ही स्टार. रोमी, पापा और मुझे ना ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि तू कुछ शेयर करना चाहता है हमारे साथ. मम, वो किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? एक्चुअली आई कैन एक्सप्लेन टू यू. वैसे मुझे एक हर्ट वाली फीलिंग आई थी बेटा कि तूने हमें खुद नहीं बताया. डैड, आई कैन एक्सप्लेन, आई प्रॉमिस. कोई बात नहीं पुत्र, जब मैं तेरी उम्र का होता था तो मेरी भी एक सीक्रेट लाइफ होती थी. रियली? तभी मैं तेरी हर डिसीजन में तुझे सपोर्ट करता हूँ 100%. मैं भी. अरे मुझे तो लगा था कि तू कोई निकम्मी सी भाभी उठा लाएगा मेरे लिए, बट तेरी चॉइस इतनी अमेजिंग है, मैं नहीं सोच सकती थी. मेरी चॉइस अमेजिंग है? और क्या बेटा, मतलब पापा और मैं भी अगर ढूंढने निकलते ना तो रोजी से बेहतर लड़की तो हम ढूंढ ही नहीं सकते थे. ओ यार सॉरी. रोजी? ओ बेटो सॉरी, वो क्या है तेरे मैसेजेस पढ़ लिए थे मैंने. क्या रोमांटिक मैसेजेस भेजते हो भाई एक दूसरे को, है बड़े अच्छे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बन सकते हैं ना. क्या लड़की है, बिल्कुल हीरोइन. मतलब ये तो वही प्ले वाली बात हो गई है ना, बस चाकू शाकू जहर शहर नहीं करेंगे, हैप्पी एंडिंग करेंगे. हैं दैट, बट मैं आपसे बोर्ड साहब से भी अपने बात कर ली है, बड़े खुश हैं. पता मैं क्या सोच रही हूँ, रोका कर देते हैं, उसके बाद ही अपनी जॉब्स में सेटल हो जाएंगे, फिर देख लेंगे. मॉम मैं तब तक रोमांस करते रहो तुम दोनों. पकड़ा दे यार. कौन है वो? रोमिल. व्हाट? रोमिल कोहली, वो कोहली का बेटा जो बाइक चलाता है और फुटबॉल खेलता है. वो भी मुझसे प्यार करता है. कन्हा प्लीज टेल मी दैट यू आर लाइंग. ऑल दिस इज जस्ट सम स्टुपिड जोक, सम प्रैंक. तुम मुझे अपसेट करने के लिए सब कर रहे हो. प्लीज टेल मी दैट. अप्पा आप समझ नहीं रहे हैं, दिस इज नथिंग टू डू विथ यू. I was born gay. कन्हा तू ऐसे कैसे कर सकता है हमारे साथ? We had so many hopes from you. अम्मा, what are you saying? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. मैं ऐसा ही हूं. अम्मा आप ही तो कहती थी to be yourself. Then how can I apologize for who I am? तू जानता है ना ये सब गे लोग क्या क्या बीमारियां होती हैं उन सबके बीच में. अम्मा ये सब लोग नहीं, आपका बेटा. What is this? भाग्या, you disgust me. मेरा बेटा नहीं हो सकता. श्रीधर. अरे व्हाट श्रीधर, जानवरों की तरह पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग. You're gay. कभी ये भी सोचा है? यू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रीस्ट. You're gay ना? पैक योर बैग्स और निकल जाओ यहां से, वरना ब्रेशो. मैंने ऐसा किया ही क्या है? तुमने अपनी मां का दिल दुखाया. यू बा, गेट आउट.
अरे जुगल आना, आ जा भाई, ये देखो कौन आया है। हाय जुगल। हाय। यू नॉटी बॉय, हाँ तूने बताया नहीं उनको क्या खिचड़ी पक रही थी। वाओ, आप लोग तो बड़े कूल हो। तो और क्या, हम तेरे मम्मी पापा की तरह नहीं है, सारे दिन अंग्रेजी झाड़ते लेकिन अंदर से नैरो माइंडेड। मेरा बच्चा। अरे वाह, तेरी जबी तो तेरे पापा से बहुत बेटर है। आ बैठ। पता बेटा मैं क्या सोच रही थी कि रोके के टाइम पे ना मैं R&R के बैनर्स लगाऊंगी, हैं R&R के बैग्स बनवाऊंगी, R&R की टी-शर्ट्स में। R&R? रोमिल एंड रूजी? What? पता है आज वो दोनों ना तेरी वजह से साथ में हैं। मेरी वजह से? रोमिल आंटी क्या कह रही है? वैसे जिंदर और मैं भी तो कॉलेज में ही मिले थे। बताओ तो क्यों खाएगा है? रोमी का फेवरेट मैंगो मिल्क शेक? ना रुक, ब्राउनी खा, तू फ्रेश बनाएगी डिंपल ने। मैं आइसक्रीम के साथ लेके आती हूं। बेटा एगलेस है। एग तो वेजिटेरियन होता है। अरे जुगल बेटा, ब्राउनीज तो खाता जा। क्या हुआ इससे?